गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं जावा की क्लास। जावा में हम पढ़ रहे थे एक्सेप्शन हैंडलिंग। आपको हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग के पांच मेथड्स बताए थे और पांचों मेथड्स के एग्जांपल भी बता चुके हैं, लेकिन कुछ रियल लाइफ से एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्सेप्शन हैंडलिंग में कौन से रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स यूज होते हैं, वो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आप ध्यान से देखिएगा और उसको चलाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको बता देता हूं, कल मैंने एग्जांपल्स बताए थे, आपने चला लिया होगा और समझ में भी आ गया होगा। यदि किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर दिया करें और व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया करें, जिससे हमको पता चलता रहे कि यदि आपके पास क्या प्रॉब्लम जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेमो। सबसे पहले मैं आज आपको एक बैंक का डेमो दिखाने जा रहा हूँ। ये बैंक नाम का हमने एक क्लास बनाया हुआ है, इसका डेमो समझिएगा। इस पे मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज किया हुआ है। तो देखिए, इस फाइल को जो हमको सेव करना है वो हमने दिया हुआ है, फाइल नेम है बैंक डेमो डॉट जावा। यहाँ पे हमने सबसे पहले इम्पोर्ट किया है जावा डॉट लैंग्वेज डॉट एक्सेप्शन क्लास को। इसके बाद क्लास बनाया इनसफिशियंट फंड एक्सेप्शन, मतलब इनसफिशियंट आप छोटा नाम भी दे सकते हैं, बहुत बड़ा नाम है एक्चुअल में। हमने इसलिए दिया था कि हम आपको बता सकें कि एक प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, यानी कि कोई एक फंड है और वो सफिशियंट नहीं है। यानी इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं, जैसे एटीएम, एटीएम में आपको मालूम है कि एटीएम में पैसा स्टोर होता है और किसी भी अकाउंट या किसी भी बैंक का व्यक्ति या कहीं से भी पैसे का ट्रांजैक्शन कर सकता है। अब मान के चलिए दो लोग आपस में एटीएम पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और अचानक से यदि उसका पैसा खत्म हो जाता है तो कैसे उसको हैंडल किया जाएगा, तो इस एग्जांपल के माध्यम से आज हम समझेंगे। एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड करके हमने एक क्लास बनाई। यहाँ पे एक हमने अमाउंट नाम का वेरिएबल लिया, वो भी प्राइवेट है, डबल टाइप का। यहाँ पे एक तरह से ये क्या बना आपका कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर बनाया और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हुआ, अमाउंट पास हुआ, अमाउंट जो आएगा दिस अमाउंट में स्टोर हो जाएगा। दोनों वेरिएबल नेम सेम है, इसलिए हमने यहाँ पे किसका यूज किया है, दिस का यूज। आगे देखिए, हमने एक बनाया पब्लिक डबल गेट अमाउंट नाम का एक मेथड बनाया और इसमें हमने रिटर्न करा दिया क्या अमाउंट। ये क्लास यहाँ पे क्लोज हो गई। अगली क्लास हमने बनाया चेकिंग अकाउंट, अकाउंट को चेक करने के लिए। इसमें कई क्लास हमने बनाई है, एक क्लास हो गई। दूसरी क्लास इसमें प्राइवेट लिया बैलेंस और नंबर, कंस्ट्रक्टर बनाया पैरामीटराइज है नंबर, और इसको भी जो पैरामीटर आएगा नंबर दिस नंबर में स्टोर हो जाएगा। पब्लिक वाइड डिपॉजिट नाम के एक मेथड लिया, इसमें अमाउंट आएगा जो भी अमाउंट आ, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है, अमाउंट प्लस किस में आ जाएगा बैलेंस पे स्टोर करता जाएगा। ओके, यहां तक समझ में आ गया होगा। दो क्लास हम बना चुके, अब इसी के अंदर अगला, दूसरी क्लास के अंदर ही अगला हमने मेथड बनाया पब्लिक वाइड विड्रा और अमाउंट डबल पास किया। थ्रोज आईओ एक्सेप्शन का हमने यहाँ पे यूज किया है, हमने कल बताया था इसका एग्जांपल। और इनसफिशिएंट फंड एक्सेप्शन में यदि इसमें प्रॉब्लम आती है तो ये कहाँ पे सीधे इसको ट्रांसफर कर देगा, इनसफिशिएंट फंड एक्सेप्शन पे। यहाँ पे जो हमने एक इनसफिशिएंट फंड एक्सेप्शन कॉन्स्ट्रक्टर बनाया हुआ था, ये देखिए। चलिए आगे समझते हैं। इसमें जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को चेक किया जाएगा, यदि वो बैलेंस से क्या छोटा है तो क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं है तो क्या हो जाए, जो अमाउंट आया वो बैलेंस से माइनस होता जाएगा और किस में आता जाएगा, नीड्स में। और यहाँ से भी थ्रू न्यू इनसफिशियंट और नीड को क्या कर दिया गया, पास। इसको समझिएगा, मेरे हिसाब समझ में आ गई होगी आपको कंडीशन, इफ और एल्स का यूज किया गया है नॉर्मली। इसके बाद एक मेथड हमने बनाया पब्लिक डबल गेट बैलेंस, जिसमें हमको बैलेंस पता चले, रिटर्न कराया बैलेंस, और एक बनाया गेट नंबर, जिसमें हमको क्या रिटर्न करेगा, नंबर। अब चलते हैं हम मेन क्लास की ओर। पब्लिक क्लास बैंक डेमो, ये इसकी मेन क्लास है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग के अंदर गए।
अब पहले चेकिंग अकाउंट का एक ऑब्जेक्ट लिया और नंबर हमने यहाँ पे पास किया 101 सी आ गया ऑब्जेक्ट, और डिपॉजिटिंग 500 रुपये अब हम उसमें डिपॉजिट कर रहे हैं, तो सी डॉट डिपॉजिट मेथड को हमने कॉल किया। डिपॉजिट मेथड हमने बना रखा है, आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पे हमने बनाया था, ये देखिए बैलेंस में जुड़ता जाएगा जो भी अमाउंट आएगा। इसके बाद हमने ट्राई का भी इसमें यूज किया और सिस्टम डॉट प्रिंट में कराया, 100 रुपये विदड्रा कर रहे हैं, 100 रुपये हम विदड्रा यानी कि 500 रुपये हमने डिपॉजिट कर दिया बैंक में और 100 रुपये हम उससे निकाल रहे हैं। विदड्रा का हमने मेथड ऑलरेडी बना रखा है, ये देखिए आप देखिए, फिर हमने प्रिंट करा दिया, अब 600 रुपये उससे निकाल रहे हैं, 100 पहले निकाल लिया, 600 बाद में निकाल रहे हैं, जबकि जमा कितना था, 500 ही जमा था, तो कहीं ना कहीं तो समस्या आएगी, 100 रुपये एक्स्ट्रा जा रहा, इसलिए एक्सेप्शन कॉल हो जाएगी, इनसफिशियंट फंड एक्सेप्शन ई, और जो भी सॉरी बट यू आर शॉर्ट, इसके बाद ई डॉट गेट अमाउंट और अमाउंट प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट स्टैक ट्रैक्स भी आप प्रिंट करा सकते हैं। इस प्रोग्राम को लिख लीजिए, समझ लीजिए, इसको चलाइएगा। देखिए मैं एक बार और ऊपर से इसको स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ, जिससे आप लिख सकें आसानी से। चलिए मैं अब इसको आपको रन करके भी दिखा देता हूँ क्या इसका आउटपुट आपको मिलेगा। जावा सी बैंक डेमो डॉट जावा और यहाँ पे कंपाइल हुआ प्रोग्राम, अब इसको हम रन कर रहे हैं। ये देखिए विड्रा, सबसे पहले डिपॉजिट 500, 500 रुपये हमने जमा किया, विड्रा 100 रुपये, 100 रुपये हमने निकाला, फिर विड्राइंग आपका कितना हुआ 600 रुपये, यानी कि 500 में हमने 100 निकाल लिया और फिर हम 600 रुपये निकालने की कोशिश कर रहे हैं, सॉरी बट यू आर द शॉर्टली, 200 रुपये मात्र बचा, यानी कि 200 रुपये शॉर्ट पड़ रहे हैं आपके, क्योंकि 500 में 100 रुपये हमने निकाल लिए थे और फिर 600 की हमने क्या किया था, डिमांड किया हुआ था, इनसफिशियंट प्रिविलेजेस, और इसके बाद जो एरर्स है वो आपको जनरेट हो जाएगी और इसके बाद एरर आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। सीधी सी बात है, 500 डिपॉजिट किया था, 100 हमने निकाला, 500 में 100 निकल गया, कितना बचा 400 रुपये, हमारे पास बैंक में बचे 400, लेकिन हमने डिमांड रखी 600 की, तो यानी कि हमारे पास जो बैलेंस है शॉर्ट वो कितना हुआ 200 रुपये का। इस तरीके से इस प्रोग्राम को आप चेक करके देख सकते हैं। चलिए इसी से रिलेटेड मैं एक और आपको एक्सेप्शन से रिलेटेड ही एक प्रोग्राम और समझाने की कोशिश करूंगा आज, वो प्रोग्राम भी आप देखिए कि उसको कैसे हम यूज करते हैं, नो बैलेंस एक्सेप्शन। ये देखिए अगला प्रोग्राम है हमारा नो बैलेंस एक्सेप्शन, इंपोर्ट जावा डॉट लैंग्वेज एक्सेप्शन को, नो बैलेंस एक्सेप्शन हमने क्लास बनाया एक्सटेंड करके एक्सेप्शन से, और कंस्ट्रक्टर बनाया, प्रॉब्लम को पास किया, ये सुपर क्लास हम वहाँ पे बताया था जब समझाए थे कि सुपर क्लास को भी यहाँ पे पास कर सकते हैं, वो पैरामीटराइज आपकी बनी हुई है। अब इसके अंदर हम गए, क्लास बनाया एस बैंक नाम की, पब्लिक स्टैटिक वाइड में गए, स्ट्रिंग आरजीएस यूज किया, थ्रोज नोवेल एक्सेप्शन का यूज किया, यहाँ पे बैलेंस हमने लिया 5000, अब भी ड्राइंग किया 10000, यानी कि बैलेंस हमने फिक्स कर दिया 5000 है, निकालना 10000 है, तो स्वाभाविक है कि एक्सेप्शन हमारे पास जनरेट होगी। बैलेंस को चेक किया, यदि बैलेंस कम है विड्रा से तो क्या करना है, नो बैलेंस एक्सेप्शन कॉल हो जाएगा
और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा यू हैव नॉट सफिशियंट बैलेंस इन अकाउंट और थ्रो ई का कॉल किया, अदरवाइज कलेक्ट योर कैश एंड इन्वॉइस। इसको बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, आप समझिएगा और मेरे हिसाब से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए और चला के देखिएगा। चलिए मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ आप कैसे इसको रन करेंगे। एक्सेप्शन कॉल हो गया, एक्सेप्शन थ्रेड मेन नो बैलेंस एक्सेप्शन, यू हैव नॉट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बैलेंस, आपके पास जो अमाउंट है वो सफिशिएंट नहीं है, इसने बता दिया। अब देखिए मैं इसमें चेंजेस करके आपको दिखा देता हूँ, अमाउंट कम कर देता हूँ, 1000 कर देता हूँ, यहाँ पे बैलेंस जो हमने जमा किया वो कितना किया 5000 और निकाल रहे 1000, तब आपको आउटपुट में क्या मिला? एक बार इसको सेव करके फिर से रन करिएगा, आप जो इसमें चेंजेस करेंगे इसको आप क्लोज करिएगा। नो बैलेंस डेमो हमने इसको ओपन किया और यहाँ पे हमने चेंजेस किया और इसको रन किया। देखिए एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ये फाइल जो सेव है एक्चुअल में इस नाम से सेव है, नो बैलेंस एक्सेप्शन के नाम से, इसलिए अपडेट नहीं हो रहा था। कंपाइल करने के लिए हमको इसको यूज करना पड़ेगा, यदि हम कोई भी चेंजेस करते हैं, हमने कई बार बताया भी है, तो आप कंपाइल इसको ज़रूर करें। तो कई बार ये डिफरेंस आ जाता है कि हमारा मेन मेथड दूसरे नाम से है, सेव दूसरे नाम से है, तो हम कंपाइल किसी दूसरे से कर देते हैं। ये देखिए अब इससे हमने इसको कंपाइल किया तब इसकी जाके सही क्लास जनरेट होगी, फिर जावा से। अब जब हम इसको रन करेंगे तो एस बैंक से रन करेंगे। ये देखिए कलेक्ट योर कैश एंड इन्जॉय, क्योंकि अब अमाउंट हमने कितना निकाला है 100 रुपये, हमने प्रिंट नहीं कराया है। यदि आप चाहते हैं तो यहाँ प्रिंट भी इसको करा सकते हैं कि कितना अमाउंट आप निकाल रहे हैं विड्रा में, या आप बैलेंस आपका कितना है, दोनों चीज़ें आप यहाँ पे क्या करा सकते हो, प्रिंट करा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो यहाँ पर कॉपी करिएगा और यहाँ प्रिंट भी करा लीजिएगा। कलेक्ट योर कैश, मैं यहीं पे प्रिंट करा देता हूँ इसी मैसेज में, प्लस जो भी आप अमाउंट लेंगे, बैलेंस भी कराना है तो ऐसे आप बैलेंस, ये आपको मालूम ही है, फिर भी मैं एक आपको चेंजेस करके थोड़ा दिखा देता हूँ इस तरीके से। ये देखिए कलेक्ट योर कैश एंड एंजॉय, पहले का कलेक्ट योर कैश एंजॉय 100 रुपये। देखिए आप चाहिए तो एक ही स्टेटमेंट आप चाहते हो तो, आप यदि बैलेंस भी प्रिंट कराना चाहते हो तो इधर बैलेंस भी करा देना।
बैलेंस इज ऐसे प्लस बैलेंस। अब मैं कुछ अमाउंट चेंज भी कर देता हूँ, 5000 हमारा जमा है और 1000 रुपये हम निकाल लेते हैं। अब हम गए यहाँ पे रन किया, कंपाइल किया और रन किया, ये देखिए कलेक्ट योर कैश एंड एंजॉय 1000 एंड और लगा देंगे बैलेंस इज 5। 5000 आपका बैलेंस था और जिसमें से कितना बचा 1000 आपने निकाल दिया। अब यदि आप बैलेंस चेक कराना चाहते हो तो यहाँ माइनस करा लेना, ये तो आपको सब मालूम ही है, अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आप उसको बनाना चाहते हैं उस प्रकार से आप इसको एंड बैलेंस यदि, ये तो हमारा टोटल अमाउंट बता रहा था, तो टोटल अमाउंट आप अलग प्रिंट करा लें और बैलेंस यहाँ पे अलग प्रिंट करा लें, इसमें फिर आपको उसको माइनस करना पड़ेगा, यानी कि जो भी बैलेंस है उससे आप क्या माइनस कर देंगे विड्रा। तो ये बैलेंस निकल आएगा, जितना अच्छा आप बनाना चाहें उतना अच्छा आप बना सकते हैं। ये देखिए कलेक्ट योर कैश एंजॉय 1000 एंड बैलेंस इज 4000 इस तरीके से। आप इसके पहले यदि टोटल अमाउंट भी, टोटल बैलेंस आप प्रिंट करना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, टोटल बैलेंस इसको हम अलग से करा देते हैं, बहुत लंबा स्टेटमेंट हो जाएगा। और इसके लिए हमने इसको कॉपी किया और पेस्ट किया और यहाँ पे हमने रखा और इसमें चेंजेस कर दिए, प्लस बैलेंस और यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंजेस कर देंगे, टोटल बैलेंस टोटल बैलेंस आपका कितना है, इसको भी हमने सेव किया, आप देख रहे होंगे मेरे समझ से समझ गए होंगे। ये देखिए आप इसको कोड को लिख लीजिएगा, इस तरीके से हमने चेंजेस किया है इसमें और इसको अब हम गए यहाँ पे कंपाइल किया और यहाँ से रन किया। ये देखिए टोटल बैलेंस 5000, कलेक्ट योर कैश एंड एंजॉय 1000 एंड बैलेंस इज 4000। हमारे पास टोटल बैलेंस था 5000 जिसमें से 1000 रुपए हमने निकाल लिए और बैलेंस जो हमारे पास बचा कितना बचा 4000। इस तरीके से आप प्रोग्राम को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, तो आप इसको बनाइएगा और एक्सेप्शन हैंडलिंग कितना अच्छा इंपॉर्टेंट है ये भी आप देखिएगा। और आज हम आपको बता दें यहाँ पे हम फोर्थ यूनिट खत्म कर रहे हैं और यहाँ पे आपका थ्रेड भी खत्म हुआ, थ्रेड के साथ हमने एक्सेप्शन भी पढ़ा दिया। अब आगे जो हम स्टार्ट करेंगे फिफ्थ यूनिट, तो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट जावा की आपकी स्टार्ट होने जा रही है और ये एपीआई प्रोग्रामिंग ना होकर के थोड़ा डिफरेंट प्रोग्रामिंग है, क्योंकि हम वेब पेज पे अब काम करना सीखेंगे जिसका नाम है अपलेट। आपके फिफ्थ यूनिट में अपलेट प्रोग्रामिंग है और कल से हम जो वीडियो बनाएंगे अपलेट प्रोग्रामिंग पे होंगे, लेकिन आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, यदि आप कंटिन्यू वीडियो देखते हैं तभी आपको समझ में आएगा, यदि हमारे पर डे वीडियो नहीं देखते हैं तो अदरवाइज समझ में नहीं आ सकता है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ, अगले वीडियो के लिए आप इंतजार करिए, कल से स्टार्ट करेंगे हम अपलेट।